कल कहाँ मिले थे? कल T1 कल T2 मिले थे, आज T1 मिले भाई साहब। तीन दिन से कंटिन्यू अरुण गुप्ता जी मिल रहे हैं, वड़का वाले भाई इनका नाम रख दिया। प्रसाद भाई के साथ मिले। अच्छा प्रसाद भाई के साथ अपन बातें किए थे, प्रसाद भाई से थाना मिला था ना मैं, बहुत टाइम हो गया, पब्लिक भूल गई रहेगी अपनी। तो आज वड़का वड़का रखे होगी नहीं? आज थम्सअप है, आज थम्सअप में कोरेक्स मिला है भाई ने। वो सभी भाई बहुत नशेड़ी आदमी है यार, और अभी 3000 का 2800 का काम करके बैठ गए। कितने बजे घर से निकले थे? 7-8 बजे पहला बुकिंग, 8 बजे पहला बुकिंग लिया था भाई, और रात के बज रहे 4:33, 2700 का लगभग काम कर लिया आपने। इनड्राइव बोला उबर सब मिला के? नहीं आज उबर ज्यादा हुआ, वो इनड्राइव एक ही था। अच्छा, और मैं घर से निकला वही डेली रूटीन 12:15 बजे करीब CNG वगैरह भर के एयरपोर्ट पे टोकन लिया, और डेली की तरह मैं पहला बुकिंग लिया उबर का। चलो आज दिखा था, मेरा भी अच्छा खासा इनकम हो गया आज, तीनों में मारा आज, ओला उबर इनड्राइव। मैंने इनड्राइव तो अभी एक फेक बुकिंग आई थी, कैंसिल हो गई मेरा, इनड्राइव की नहीं। आज ओला में एक मजबूत मारा हूं मैं। पहली बुकिंग 12:10 पे ही मिल गया यार आज। 24 किलोमीटर का एक मुझे बुकिंग मिला था कोपर खैरने का भाई साहब, $464.45 टोल मुझे मिला था। ये पहली बुकिंग थी मेरी। भाई मेरा डिस्प्ले ओरिजिनल है भाई, मेरा भी डिस्प्ले ओरिजिनल है, हमारा एक्सपेंसिव तुम्हारा है। मेरा भी ओरिजिनल है भाई, LG है, LG देखो मेरा कैच भी करता है, तुम्हारा नहीं करता है, मेरा भी नहीं कर रहा जनता। तो जनता चलो भरोसा आप लोग के, ₹464 मिले ले, हाथ से मोबाइल गिर जा रहे हैं। अभी आप लोग ही बताओ पिया कौन है। और मेरे ये S23 Ultra का डिस्प्ले फूट गया एक दिन, अरुण भाई और मिले थे मुझे थाना कोलसेट में, ठंडा पिलाने के चक्कर में वड़का मेरा मोबाइल इधर रख दिया, इनका वड़का पीने के चक्कर में सीट के लोखंड में ऐसा सीट रिक्लाइन किया था, और भाई S23 Ultra का ग्लास टूट गया, 15,000 का डिस्प्ले है। मैं बोला अभी ऐसे चला, और ये रात में रात जुगाड़ बता रहे, सामने वाले को फोन लगाया था, ₹300 में बन जाएगा, ₹300 में वो तो बन जाएगा, वो तो मैं रिपेयरमैन हूँ, वो तो ग्लास चेंज कर लूंगा, थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं उंगली करना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड पहली बुकिंग में लेके गया T2 से खोपर खैरने, ₹464+45 टोल, ₹509, ₹10 यहाँ पे मिला। उसके बाद खोपर खैरने 5 मिनट ही रुका था, मुझे बोरीवली बेस्ट का एक बुकिंग आता है ओला का, ₹550 दिखाता है, तुरंत उठा लिया मैंने, और ₹550 दिया भी 40 किलोमीटर। हर किसी में कम देता है वो, ₹1 कम देता है, लेकिन दूसरे में वो, ये क्या हो रहा है आज जनता, आप दिखा रहा है ₹550, ठीक है अपने को फोकस किया था ना। तो ये ओला का अपने को दो बुकिंग कम्प्लीट हुआ। पहली बुकिंग जो मैंने उबर से एयरपोर्ट पे किया ना, मुझे 300 का इंसेंटिव मिला, इस हफ्ते 7 बुकिंग मेरा कम्प्लीट हो गया। पहले 3 बुकिंग कम्प्लीट किया था तो ₹300 आया था, और अभी तीन बुकिंग कंप्लीट किया था तो ₹100 आया था, अभी 3 बुकिंग कंप्लीट किया तो ₹300 आज इंसेटू आया। ये T1 तो, इसके लिए आते। तो इस तरह से जो उबर में काम हुआ, पहली बुकिंग का 500+ इंसेटू 800, और दूसरा जो ओला का काम हुआ है 550, तो 1350 का यही पे काम हो गया। बोरी वाली वेस्ट से मैं दहिसर की तरफ गया, वैसे मुझे जैसे मैं कंदारपाड़ा फ्लाईओवर क्रॉस करता हूँ, मुझे एक उबर बसता है कांजूरमार्ग का, बहुत ही गंदा फेयर मिला है, लेकिन ले लिया मैंने। 30 मिनट 24 किलोमीटर का सिर्फ ₹370 मिला जनता। चलो 370, चलो दिखा दिया, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। उसके बाद पवई पहुंचा ही था, आधे रास्ते में मुझे एक रिजर्वेशन आता है 4:15 पे बिक्रोली स्टेशन से T1 का, जो अभी मैं खड़ा हूँ उधर से बाहर आके, मेन हाईवे पे खड़ा हूँ, T2 जाने वाला या आगे रोड है सबवे, वहां पे खड़ा हूँ। तो मस्त रिजर्वेशन का तो फाड़ा अच्छा मिलता भाई साहब। 3:13 पे बुकिंग आई थी मुझे, 4:15 का रिजर्वेशन था, लेकिन कस्टमर पहले ही रेडी था, फटाक से 4 बजे पिक कर लिया, और कुछ 20-30 मिनट लगा पैसेंजर को ड्रॉप करने में 24 किलोमीटर, कौन सी बुकिंग बता रहा हूँ जनता, 23 मिनट लगा मुझे 16 किलोमीटर का बिक्रोली से T1 आने में, सिर्फ 16 किलोमीटर था, सिर्फ 23 मिनट लगे मुझे, ₹346 मिला। उसको दिखा देता हूँ आप लोग को, हो जाए भाई साहब रिजर्वेशन का दिखाने का, रिजर्वेशन का बुकिंग जो जनता है ना, इसमें अपने को रिजर्वेशन फीस ही ₹150 इसमें मिल गया, तो ये मस्त बुकिंग था। तो जो टोटल अभी तक काम हुआ है 2000 का काम हो गया ऑलमोस्ट मेरा, और घड़ी में बज रहे हैं भाई साहब 4:37, और अपन दोनों भाई ये भाई किधर लेके जा रहे, बोल रहे अरुण भाई चलो किधर, उधर अड्डा विड्डा उधर चलते हैं, अब कौन से अड्डे की बात कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं उधरी अड्डे उड्डे पे, देखते कोई बुकिंग मिल जाए, नहीं तो भाई अगर बैठे रहेंगे तो सोस आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन गोंदौली, अभी मैं कहां हूं जैसा बता रहा था आप लोग को, देखो सामने भाई साहब ये अपन यहां है, और ये T2 वाला सबवे देखो, ये देखो राइट मार के यहां से T2 निकल जाते हैं जनता, देखो ये मेरे को सिखा रहे आज के लौंडे, मेरे को सिखा रहे ले भाई, ये वड़का भाई मेरे को सिखा रहे ले, समझाओ जरा, चार दिन हुआ मेरे को सिखा रहे ले, क्या बोलते पब्लिक जुम्मा जुम्मा। तो फ्रेंड फाइनली आ गया हूँ मैं थाने, और ये थाने
ना सामने दिखा तो कौन सा एरिया हो गया अपना, संजय गांधी नेशनल पार्क वाला एरिया देख रहे हो, थाने साइड से यहूर की पहाड़ियां दिख रही है। तो अपन यहाँ पे खड़े, यहाँ पे फिल्म सिटी का सेट भी लगा रहा, पूरा बंगलो है लाइन से, और पहली बार इस साइड आया यार थाने में मैं। और ये उस साइड कोल सेट है, थेरा नया सेट, और इस साइड जो है पूरा फिल्म सिटी है, पूरा पूरा सेट से। अभी एक कोई एक्ट्रेस या कौन थी उसको ड्रॉप किया मैंने श्री सिद्धि विनायक मंदिर के पास से लेके आया था दादर से, और यहीं पे ड्रॉप किया। अब यहाँ से सीएनजी लास्ट पॉइंट आ चुका है, तो जाके अभी सीएनजी भरना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद खाली घर पे भी निकल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गोरेगांव 475 रुपया 26 किलोमीटर का जबरदस्त फेयर बज रहा भाई, एक घंटा लगेगा खाली, लेकिन बुकिंग लेना नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए बात कर लेते, जब T1 के पास अपन रुके थे मैं अरुण भाई, तो अरुण भाई चले गए वहां से एक दहसर की बुकिंग लेके, वो घर चले गए, वहां बुकिंग नहीं लगी, वो अंधेरी चले गए, अंधेरी से एक बुकिंग मिला उनको, और मैं खड़ा रह गया वहां पे, कोई बुकिंग नहीं आया। तो मैं बोला थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आराम बहुत जरूरी था, कंटिन्यू गाड़ी चलाया, आराम नहीं किया था। तो वहां पे करीब 1.5 घंटा या 2 घंटा वहां पे लग गए, 2 घंटा आराम किया, सोया वोया जो भी था 2 घंटा आराम किया, उसके बाद बुकिंग नहीं लगी, निकल लिया वहां से भाई 20 किलोमीटर में, खाली गया भांडुप ना, बुकिंग बीच में नहीं लगा, नाहूर में जाके मुझे बुकिंग लगता है, नाहूर में 7:45 7:41 पे श्री सिद्धि विनायक मंदिर का एक मुझे बुकिंग लगता है 23 किलोमीटर का 558, यानी मैं जो 20 किलोमीटर खाली गया था ना उसका पैसा इस बुकिंग में वसूल हो गया। ये देखो फ्रेंड्स 558 रुपया 23 किलोमीटर का ओला ने दिया, सिर्फ 50 मिनट लगा है, क्योंकि 8 बजे नहीं था, ट्रैफिक था नहीं। वहां पे ड्रॉप किया वैसे श्री सिद्धि विनायक मंदिर से, जो अभी मैंने आपको बताया एक बुकिंग मुझे लग गई, बुकिंग तो धुआंधार आ रही है, पहले सीएनजी भर लेंगे उसके बाद ही बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो सीधा घर पे निकल जाएंगे, काम तो हो गया तुम्हारे भाई का ठीक ठाक। तो वहां से जो यहाँ का बुकिंग लगा 1 घंटा 4 मिनट लग गया मुझे, 37 मिनट, वासी की भी बुकिंग आ रही, जबरदस्त बुकिंग है यार, सीएनजी नहीं जनता क्या कर सकते, अभी जाने दो, अभी झट भाई हट जा भाई हट जा। तो क्या बात कर रहा था फ्रेंड्स, अपन पहले सीएनजी भरते भाई, यहाँ से एक वासी की बुकिंग छोड़ दिया, वहां से घर पे आ जाता 10 किलोमीटर यार, तो 37 किलोमीटर था, 1 घंटा 4 मिनट लगा, 521 रुपया ओला ने इसका दिया। तो काम जो हुआ है अभी तक 3000+ हो गया, यानी 31,100 का काम हो गया है। तो यहाँ से अभी मैं सोच रहा घर निकलूं या पहले सीएनजी भर के एक बुकिंग और लेके जाऊं परेल, बुकिंग तो धुआंधार बज रहा है, तो सीएनजी भर लेते हैं, हो सके एक चेंबूर वगैरह का बुकिंग लग जाए तो अपन ले लें। तो देखते हैं, पैसा नहीं दिखा रहा लेकिन बुकिंग धुआंधार बज रहा है ओला का, तो अभी इसको ऑफलाइन करता हूं मैं। फ्रेंड घर पे आ गया हूं और 12 बजे लगभग गाड़ी पार्क कर दिया, 12:30 बज चुके हैं, तो 12 घंटे आज काम हो गए अपने, 12 घंटे जो काम 12 घंटे में किया, तो मैं थाना में था, सीएनजी वगैरह भर किया, 203 किलोमीटर गाड़ी वहां पे चलाया था मैंने, जब 2500 का काम मैंने किया था वहां पे, 203 किलोमीटर गाड़ी चला के सीएनजी भरा मैंने 590 रुपए का, 590 रुपए का मैंने थाना में सीएनजी भरा, और अभी 42 किलोमीटर घर आते तक गाड़ी चल गया है, क्योंकि खाली जाना पड़ता है। इससे अच्छा मैंने कोहिनूर का एक विद्या विहार का एक बुकिंग मैंने ले लिया, उबर में आया था कि ओला में आया था ध्यान नहीं, उबर में ही आया था, तो थाने से एक बुकिंग लग गया, मैं बोला खाली जाने से अच्छा एक बुकिंग लग गया यार, चलो लेते चलते हैं। फेयर ठीक ठाक ही था, सर्ज मिल नहीं रहा था, लोअर परेल बज रहा था वहां से, लोअर परेल तो 700-700 रुपया बज रहा था भाई साहब। तो लास्ट ट्रिप का टोल के साथ भाई 450 रुपया मिला है मुझे, 400 रुपया फेयर मिला है प्लस 50-45 रुपया टोल मिला है, तो 450 यहाँ पे 31.5 वहां पे काम हुआ था। तो इस तरह से आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया जनता, 3500 का काम हो गया, जिसमें 300 की इंसेंटिव है, यानी करीब 3200 का काम किया, 300 इंसेंटिव को भी अर्निंग में ही जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो 300 का इंसेंटिव हो गया, और वो मिला के मैंने 3500 रुपए का काम कर लिया, 590 और यहाँ पे सीएनजी जो गया होगा 100 रुपया पकड़ लेते हैं, तो जो सीएनजी टोटल गया है 700 रुपए का, 600-700 की सीएनजी में आज मैंने जो काम किया है 3500 रुपए का कार्य किया है, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा काम हुआ है फ्रेंड्स, नहीं तो आजकल 3000 भी नहीं हो पा रहा था, 2500-2600-2700-2800 पिछले संडे को मैंने किया था, आज भी संडे है, शनिवार की रात निकला था, संडे का ही रात में निकला था, आज भी संडे का ही काम था ये समझ लो, पिछले संडे मैंने दिन में चलाया था तो 3000+ किया था, आज रात में चलाया तो भी 3000+3500 रुपए का काम कर लिया मैंने, पूरी एक एक मैंने जानकारी भी दे दिया कहां से कैसे बुकिंग मिली कैसे नहीं, तो अच्छा था, लग भी साथ दिया मुझे, अच्छी बुकिंग्स मिलते गए, कंटिन्यू बुकिंग्स मिलते गए, और त्योहार की वजह से आज बहुत लोग काम पे भी नहीं गए थे, जिसकी वजह से गाड़ियां की डिमांड ज्यादा थी और फेयर भी अच्छे मिल रहे थे जनता। तो चलो आज फिर से देखते हैं, निकलते हैं नहीं पैरों में भाई साहब, अभी थोड़ा सा आज राइट पैन पेन हो रहा है, इतना दर्द होने लग रहा है ना भाई, कंटिन्यू गाड़ी चलाने पे आराम भी किया मैंने, 2 घंटा सोया फिर भी यार आराम नहीं कर रहा हूँ, अभी एक हफ्ते से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, तो एक आध दिन का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद ही काम पे निकलना पड़ेगा जनता, बहुत माम बोले तो।